आप सभी का इस हिंदी सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। सभी का स्वागत। आज हम परीक्षित भैया की शेयरिंग को सुनेंगे। परीक्षित भैया असिस्टेंट प्रोफेसर है शंभुनाथ कॉलेज एट प्रयागराज। भैया ने उनका फर्स्ट फेस टू फेस वर्कशॉप जुलाई 2018 में किया था और तब से भैया यूएचवी के साथ में जुड़े हुए हैं। और जो बाद में कोरोना पीरियड में जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स आए उसको चलाने में भैया की बहुत प्रमुख भूमिका रही है। इनफैक्ट इस सारे जब जूम की मीटिंग्स को शुरू करना, उसे एंड करना और बाकी सारे वॉलेंटियर्स को जो कुछ भी मटेरियल चाहिए वो हेल्प करना, इसमें भैया की मतलब बहुत ही अच्छी मदद रही है। और मुझे लगता है कि किसी एक वॉलेंटियर का नाम अगर सबसे ज्यादा बार ऑनलाइन में हम सभी ने सुना होगा तो परीक्षित भैया का है। तो भैया की जर्नी को हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो फिर अभी मैं परीक्षित भैया को आमंत्रित करता हूँ। भैया ओवर टू यू। जी धन्यवाद किशन भैया। नमस्ते नमस्ते कुमार भैया, सभी को नमस्ते। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है किशन भैया? हाँ भैया क्लियर है, क्लियर। जी, प्रकृति व्यवस्था अस्तित्व से अस्तित्व, सभी को नमन। यूएचवी टीम, इस यूएचवी परिवार को नमन और में जांचने परखने का अवसर दिया और सभी परिवार के सदस्य, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के सदस्यों का ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने हर पल हर क्षण मुझे स्वयं में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान किए और यहाँ तक ये यात्रा हो पाई। अभी भी यात्रा अनवरत जारी है। जैसा कि मेरा परिचय किशन भैया ने दिया, मैं परीक्षित अग्रवाल प्रयागराज उत्तर प्रदेश के शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत हूँ 2008 से। एक लंबी यात्रा रही, परिवार के भी कुछ संस्कार, रहन सहन इस प्रकार से था कि बातें और जो भी जीना हो रहा था वो काफी कुछ बहुत एग्जेजरेटेड, ओवर रेटेड उस तरह से नहीं था, लेकिन फिर भी जीने में कई जगह, कई विषयों पे, कई स्थलों पे एक कमी दिखती थी या एक कंट्राडिक्शन दिखता था कि जो भी हो रहा है या मैं स्वयं जो भी कर रहा हूँ तो मैं मुझे सहज स्वीकार नहीं है भी मैं भी कर रहा हूँ या हो रहे हैं, तो ये क्या ऐसा है। ये सारी फसावट धीरे 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 सॉल्व आउट होना शुरू हुई जब इस विषय वस्तु से जुड़ना हुआ। पहली बार एक डेज फेस टू फेस FDP जुलाई 2018 में अवसर प्राप्त हुआ और उसके पश्चात दो तीन मौका मिला है। चल रही थी, एक ऐसा फेज भी था जब स्वयं में बहुत बिट फील होती थी कि कहाँ ही फंसे हुए हैं, कहाँ ही गलतियां कर रहे हैं, लेकिन फिर जब पूछा इस बात से अपने मेंटर से, टीम मेंबर से, तो फिर ये ध्यान गया कि कार्य तो स्वयं पे ही करना है। इवन मुझे अभी भी याद है, एक बार गणेश से मैंने प्रश्न पूछा था कि कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बाहर तो जीने जब मैं जाता हूँ तो वहाँ ज्यादा ठीक से जीना हो पा रहा है, लेकिन जब फैमिली मेंबर्स के साथ जीने जाता हूँ तो वहाँ पे अभी भी डिसहार्मनी हो जाती है सर में। तो फिर एक ही लाइन में सर ने ध्यान दिलाया कि कार्य तो स्वयं पे ही करना है और फिर इस बात पे और ध्यान दिया और कार्य करा, तो समझ में आया कि
वाकई कहा तो स्वयं पे ही करना है। क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ एक लंबा जीने का अभ्यास रहा है, उन्होंने मुझे देखा है और जो बार बार यहाँ मिलते हैं ध्यान दिलाते हैं कि हमारी पहली लेबोरेटरी तो परिवार ही है। ऑनलाइन का बड़ा उपकार है कि उसके चलते रेगुलर हम जुड़ पाए, रेगुलर इस विषय वस्तु को सुन पाए, मैं जांच परख कर पाए और इन मॉर्निंग सत्र के पश्चात तो एक्सरसाइज एक और अभ्यास एक और अभ्यास दो के बाद तो इस चीज पे और अच्छे से ध्यान जा पाया कि मैं हूँ और शरीर है। स्वयं को इस रूप में देखना और हर पल हर क्षण वेरीफाई करना, जांच परख करना अनवरत बहुत ही आवश्यक है। यात्रा है और ये यात्रा चल रही है और स्वयं को जब इस तरह में देख पाता हूँ मैं और शरीर का, तभी अपने सभी संगी साथियों, परिवार सदस्य, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को भी, अन्य सभी मनुष्य को अपने जैसा देख पाता हूँ। इच्छा विचार आशा मुझ में भी चल रही है, इच्छा विचार आशा सभी में चल रही है। मैं भी निरंतर सुखी समृद्ध होना चाहता हूँ और सभी में यही प्रयास दिखता है। जितना जितना मैं समझ पाता हूँ सही को, उतना सही के अर्थ में जीने का प्रयास कर पाता हूँ। अभ्यास योजवी इस मॉर्निंग सेशन में भी जब हमने योजवित्री के ऊपर चर्चा की समना दीदी कुमार भैया से जो इनपुट मिले उसमें भी इस बात पर और ध्यान गया कि हम ब्लॉक B1 में की तरफ बढ़ पाए या अभी भी ब्लॉक B2 में ही है। तो जांचने परखने पर ध्यान जाता है कि अभी भी कार्य व्यवहार B2 से ही गवर्न है, B1 की तरफ तो भी क्लैरिटी भी शायद पूरी तरह से नहीं हो पाई। इसी प्रकार जब प्रकृति को देखने जाता हूँ तो वहाँ भी ये ध्यान जाता है कि जब तक स्वयं को नहीं समझा, स्वयं के शरीर के अस्तित्व को नहीं समझा, तब तक ना मानव जीवन मानव शरीर का सदुपयोग कर पा रहे हैं ना ही उसकी आवश्यकता को समझते हुए प्रकृति के साथ अस्तित्व पूर्वक जी पा रहे हैं। पहले अक्सर ये फुसावट होती थी कि अभी भी ये कार्य क्यों कर रहे हैं लोग, या छोड़ने का विचार आता था मन में कि प्लास्टिक का यूज एकदम छोड़ दें, ऑटोमोबाइल का यूज एकदम त्याग दें। बस जितना जितना इस कंटेंट को सुनते हैं या जब साथियों के प्रश्न आते हैं या स्वयं करते हैं तो वहाँ ये बात फिर क्लियर होती है कि ना कुछ छोड़ने की बात हो रही है ना किसी चीज के पीछे जाने की बात हो रही है, ध्यान देने की है कि उपयोगिता क्या है, सदुपयोगिता क्या है, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था को समझना है। स्वयं की व्यवस्था को समझते हुए, मानव की व्यवस्था को समझते हुए परिवार समाज और प्रकृति की व्यवस्था को हम देखने जाते हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कम से कम इंफॉर्मेशन रूप में और देख पाने के रूप में तो ये क्लैरिटी इस योजवित्री के साथ और बढ़ी और मेरी भागीदारी क्या है ये क्लैरिटी और बढ़ी। अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में जरूर देख पाता हूँ लेकिन अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। जितना जितना इसको समझ पाता हूँ उतना उतना जीने का प्रयास कर पाता हूँ। संबंध व्यवस्था सहस्तित्व हर पल हर क्षण बना ही हुआ है और मेरा रोल इस व्यवस्था को, संबंध को, सहस्तित्व को समझना है और उसमें जीना है। और उस प्रकार से कार्य व्यवहार करना है। बार बार ये बात रिट्रेट होती है कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है,
इन्फॉर्मेशन फॉर्म में तो ये बात काफ़ी पहले से थी, लेकिन जितना जितना इसको समझ पाया, जीने में ला पाया, उतना उतना और क्लियरिटी से देख पाता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी भी सुख प्रभाव ज़्यादा है, स्वभाव में नहीं आ पाया। जैसे मैंने पहले ही बताया कि परिवार हमारी पहली लेबोरेटरी है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ इंटरेक्शन में अभी हुई पुरानी मान्यताएं कभी कभी निकल के आ जाती। पहले भी शायद ऐसा होता था और ज्यादा होता था, लेकिन ध्यान नहीं जाता। अब कम से कम ध्यान जाता है तो उसको आगे और रेक्टिफाई करने का प्रयास जारी है। मानवीय आचरण के ऊपर अगर बात करें तो बहुत बहुत भी कार्य करने की आवश्यकता है। जीने का एक अभ्यास जो बना हुआ है, या सही सही कहें तो एक जीने का जो गलत अभ्यास बना हुआ है, और ये दिखाई देता है जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति होती है। अभी भी जब साथियों की अपने ट्रेनिंग सुनता हूँ, देखता हूँ, तो फिर भी ये लगता है कि अभी तो बहुत अनुकूलता जीवन में स्पष्टता देख पा रहा हूँ। प्रतिकूल परिस्थिति में कितना स्वयं को स्थिर रख पाऊंगा, ये अभी जांचना परखना मुझे लगता है कि अभी शेष है। एज सच कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति रिसेंट पास में तो नहीं आई। आगे अभ्यास एक और अभ्यास दो की अगर बात करें तो अभ्यास एक का पहला स्टेप ही कहता है स्वयं को देखना, अपनी कल्पनाशीलता को देखना, बिना इसको रोके, बिना इसको बदले अपने भाव को, स्वभाव को और मानवीय स्वभाव के दो भावों को देखना, और ये देखना कि किन भावों को हम निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, किन भावों के साथ हम संगीत में आराम में रहते हैं, और साथ ही साथ ध्यान जाता है कि मुझ में कौन सा भाव चले उसका मैं स्वयं लेता हूँ, कोई बाहरी परिस्थिति या दूसरा व्यक्ति नहीं। तो इस अर्थ में अपने सुख दुख के लिए पूर्णता में ही जिम्मेदार, उतना उतना मैं स्वयं के ऊपर कार्य करने के लिए और प्रेरित होता हूँ, और उससे अधिक जो मुझे इसका उपयोग दिखता है कि मैं दूसरों से शिकायत से मुक्त हो पाता हूँ। लेकिन और ध्यान देने पे ये ध्यान जाता है कि अभी भी क्योंकि जब भी समझ के आधार पे भाव चलते हैं, समझ के आधार पे निर्णय करता हूँ, तो सही समझ ही सही भाव और सही निर्णय का आधार बनते हैं, और मैं स्वयं में आराम में रह पाता हूँ, स्वयं को आराम में रहते देख पाता हूँ। तथापि जब भी मान्यता के आधार पे भाव विचार चलते हैं, मान्यता के आधार पे निर्णय करता हूँ, तो परेशान बचता हूँ। तो उसको सुनिश्चित करने की बहुत आवश्यकता स्वयं में देख पाता हूँ कि मानने को जानने की तरफ ले जाना है। संबंध व्यवस्था से अस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार है। स्टेप सिक्स में ये बात और क्लियर होती है, और इसके लिए ये भी क्लियरिटी होती है कि संबंध व्यवस्था से अस्तित्व को समझना कितना आवश्यक है। जितना जितना इसको मैं समझ पाता हूँ, उतना उतना उसे जी पाता हूँ, और उतना उतना आराम में आ पाता हूँ। हर पल हर क्षण निर्णय पूर्वक जितना जितना अपने भाव को
संबंध व्यवस्था और सर्विस के अर्थ में सुनिश्चित कर पाता हूँ उतना उतना और हर पल हर क्षण से सुनिश्चित करके निरंतर सुखी होने का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। इस पूरे संबंध व्यवस्था सर्विस को संपूर्णता के आधार पर समझने पर ही हमारा भाव मानने से जानने की ओर जा पाएगा और हम निरंतर सुखी हो पाएंगे। उसी प्रयास में इस यात्रा में आप सभी के सहयोग के साथ आगे बढ़ रहा हूं। अभ्यास दो को अगर देखें तो 3-4 बार मॉर्निंग सत्र में अभ्यास एक और अभ्यास दो हो चुका है और अभी भी अभ्यास दो में बहुत बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। मैं हूं और शरीर है ये दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, कार्य है, एक्टिविटीज हैं। मैं और शरीर के बीच में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और वो भी निर्णय मैं के द्वारा लिया जाता है कि क्या इन सूचनाओं का आदान प्रदान होना है, शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है। और सबसे ज्यादा जो इस बात पे अब ध्यान जा पाता है कि मैं और शरीर में एक दूरी है, मैं संवेदना से दूर हूं और दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पा रहा हूं। किसी भी बाह्य स्थिति परिस्थिति का प्रभाव सिर्फ शरीर तक पहुंचता है, चाहे वह कोई शब्द हो या कोई चेंज इन्वायरमेंटल चेंजेस, उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूं, मैं उसे अर्थ देता हूं और मैं ये डिसाइड करता हूं कि उससे प्रभावित होना है या नहीं होना है। और वहां पे या रिस्पॉन्स करना है जितना जितना सही को समझ पाता हूं उतना जिम्मेदारी पूर्वक वहां पे रिस्पॉन्स कर पाता हूं। अभ्यास दो में इस बात पर भी ध्यान गया कि वायु परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक ही है, मैं पे उसका प्रभाव मेरे निर्णय पूर्वक ही जाता है। वहां पे अगर मैं प्रतिक्रिया करता हूं तो मैं परतंत्र हूं, लेकिन जब भी मैं जिम्मेदारी पूर्वक इसे रीड कर पाता हूं तो मैं स्वतंत्र हूं। मैं संवेदना को बाहरी किसी भी स्थिति परिस्थिति को निर्णय पूर्वक पढ़ता हूं और स्वभाव में निश्चित बने रहते हुए स्वयं में सुखी होते हुए किसी बाहरी घटना से संवेदना से प्रभावित होते हुए कार्य कर पाता हूं, आराम में रह पाता हूं। संवेदना को पढ़ने के आधार पे जब भी बाहरी घटना को या दूसरे व्यक्ति के कार्य व्यवहार का आकलन करता हूं, दूसरे व्यक्ति के कार्य व्यवहार शब्द इन सब के बारे में मेरा आकलन, शरीर पे प्रभाव, संवेदना, सूचना, जितना जितना ध्यान देता हूं उतना उतना ठीक ठीक आकलन कर पाता हूं स्वयं का भी दूसरे। और ये तो ध्यान जाता है कि कोई भी घटना बाहर हो रही है या उसका प्रभाव शरीर तक आ रहा है, मैं तो उसका प्रभाव जाना है या नहीं, कितना प्रभाव होना है ये मैं डिसाइड कर रहा हूं, मैं निर्णय ले रहा हूं। और इस बात पे और ध्यान जाता है कि सुखी होने के लिए कोई कार्य करना है या सुखी होके कोई कार्य करना है। तो जितना जितना मैं आराम में रहता हूं, संगीत में रहता हूँ, व्यवस्था में रहता हूँ, उतना उतना बाहर भी कार्य व्यवहार में परीक्षित हो पाता है। तो अभ्यास दो के स्टेप 5 और स्टेप 6 पे अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। इंफॉर्मेशन फॉर्म में तो जरूर ये चीज मैं देख पाता हूँ, लेकिन अभी जितना जितना इसको जीने में
ये दिखता है कि अभी काफी यात्रा बाकी है, लेकिन यहाँ ये भी क्लियर होता है कि जितना कर पाया आज से 4 साल 5 साल पहले स्वयं को देखता हूँ, अभी दिखता है और करने लायक कार्य भी यही है। कई बार इस बात पे बात होती है कितना समय हम लगा सकते हैं, कार्य व्यवहार को देखता था, दिनचर्या को देखता था तो काफी समय अनुपयोगी निरर्थक बातों में चर्चाओं में जाता ही था, स्वयं का कोई भी परिमार्जन नहीं होता था। अब इस कंटेंट से जुड़ने के पश्चात न केवल भौतिक वस्तुओं की सदुपयोगिता पे ध्यान गया, रादर समय की सदुपयोगिता स्वयं में परिमार्जन के ऊपर भी काफी ध्यान गया। शुरुआत में इस बातों पे समझ बनी कि जो भी चीज सही के अर्थ में नहीं है नहीं करना, उन बातों को नहीं करना। लेकिन अब कम से कम यूजी और पिछले 4 महीने से यूजी को देखते हुए इस पर भी ध्यान गया कि अपने समय को और स्वयं को सही के अर्थ में कैसे लगाएं। दो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल है कि स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगा रहे हैं और अपने वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक भागीदारी के अर्थ में कितना समय लगा रहे हैं। तो ये दोनों ही प्रश्नों को आंसर देने में अपने को मैं बड़ा ही एक दुविधा में पाता हूँ, क्योंकि स्वयं में समझ के लिए तो हर पल हर क्षण लगाना है जो कभी तो नहीं हो पा रहा ये देख पा रहे हैं, और साथ ही स्वयं के साथ साथ परिवार में टीम में और समाज में भी भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि हम सभी के लिए गणेश सर ने टीम ने और भी लोगों ने समाज में इस बात को रखा है तो हमें ये चीज उपलब्ध हो पाई, ये विषय वस्तु उपलब्ध हो पाया। और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि जितना जितना हम भागीदारी कर पाते हैं उतना उतना और ध्यान जा पाता है, उतना उतना और वेरीफाई हो पाती चीजें। तो इसके लिए पुनः आप सभी के सहयोग से स्वयं पे ध्यान जाने का कार्य हो पाया, स्वयं में कई बातों को जांच परख कर पाया। जितने भी साथियों के प्रश्न आते हैं पहले भी और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर होते हैं, उन सभी साथियों के प्रश्नों को सुनता हूं तो ये ध्यान जाता है कि मेरे भी यही प्रश्न हुआ करते थे। रिस्पॉन्स सिमिलर कितना आसान है, कितना सिंपल है, लेकिन हम अपनी मान्यतावश अभी भी फसावट में बने हुए हैं। उसी प्रयास में रहता हूं कि हर पल हर क्षण स्वयं में ध्यान बना रहे और जितना भी समय मैं निकाल पाऊं वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ साथ उतना सामाजिक भागीदारी के अर्थ में भी लगा पाऊं, और बिल्कुल कम से कम 2 घंटे का समय तो लगाया ही जा सकता है, वीकेंड्स पे हॉलीडेज में भागीदारी की जा सकती है। जिस प्रोफेशन में हम हैं टीचिंग प्रोफेशन में, यहाँ भी ये दिखता है कि अगर ध्यान दिया जाए, ध्यान बना रहे स्वयं पे, तो हर पल हर क्षण हम स्वयं पे ध्यान देते हुए एक एक्सटेंडेड फैमिली के साथ वर्क करते हुए अपनी उस लेबोरेटरी को और एक्सटेंड करते हुए कार्य व्यवहार कर सकते हैं इन अभ्यास के साथ, यूएचबी 3 कंटेंट के साथ।
इस बात पे भी ध्यान गया कि एज अ टीचर, एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक संस्था में एक अध्यापक के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सही है। आगे 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद समाज कैसा होगा, उसको हम आज सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी रिसेंट पास्ट में कानपुर सेंटर जाना हुआ था, तो वहां पर अर्चना दीदी ने एक बात रखी थी कि हम सभी एक अभियान में हैं। जो भी इतिहास में हम सामाजिक परिवर्तन देखते हैं, तो वो सब अभियान के फलस्वरूप परिवर्तन हुए। आज भी हम एक अभियान में हैं, और पास्ट के किसी भी अभियान में सामने कोई व्यक्ति होता था, कोई दूसरा व्यक्ति होता था, लेकिन आज हम जिस अभियान में हैं, वहां सबसे बड़ी बात यह है कि सामने मैं स्वयं हूं। मुझे स्वयं से ही परिमार्जन करना है, स्वयं की ही जांच परख करनी है, और स्वयं में ही आगे बढ़ना है। तो इस छोटी सी यात्रा में जितना भी मैं देख पाता हूँ स्वयं में परिमार्जन को, तो उसका उत्सव और आगे और कार्य व्यवहार करने की आवश्यकता है, इसका उत्साह आप सभी का साथ ऐसे ही बना रहेगा। जब भी जिसकी भी मुझे आवश्यकता पड़ी हेल्प की, हमेशा टीम मेंबर वहां पे रहे, परिवार के सदस्य वहां पे रहे उपस्थित। तो आप सबका प्रति कृतज्ञता, इस पूरी टीम के प्रति कृतज्ञता, और इस पूरे अस्तित्व व्यवस्था और सहअस्तित्व के प्रति कृतज्ञता। जी ये सुन रही है, इतनी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा यहाँ पे। धन्यवाद। कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो भैया तो मैं जी भैया बहुत ही सुंदर शेयरिंग। स्वयं में समाज के लिए हर क्षण ध्यान देना है, बहुत ही सुंदर बात रखी भैया, धन्यवाद। मैं अभी कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ, फिर बाद में सभी की बातें सुनेंगे। कुमार भैया जी, सभी को नमस्ते। बहुत बढ़िया शेयरिंग परीक्षित भैया, जैसा सभी ने शेयर किया कि जिस सहायता से आप बहुत सारी जिम्मेदारियों का ऐसा निर्वहन करते रहते हैं, ये सभी को प्रेरणा देता है, और कई साथी आपसे स्नेह महसूस कर पाते हैं। कई सारे लोगों को आपने बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट्स पे, जब कभी वर्कशॉप हो रहा है, कोई टेक्निकल फेलियर हो गई है, कोई डेटा की कमी हो गई है, कई प्रकार से आप सहयोग करते रहे, और ये हम सब लोग देख पाते हैं। इसमें तो आपका जो भागीदारी है, एक स्तंभ की तरह काम कर रहा है ये कार्यक्रम। और आपने अभ्यास एक और दो के स्टेप्स को लेकर जो शेयरिंग की, वो भी काफी बढ़िया है। उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी और अभी गति बढ़ाने की जरूरत है। और USB 3 का जो कंटेंट शेयर हुआ, जिसमें मानव प्रकृति अस्तित्व और आचरण को लेकर जो प्रस्ताव गया, उस पर भी थोड़ा सा और अध्ययन हो जाए तो और अच्छा रहेगा। तो हम सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, तो आपका जिस प्रकार का संस्कार रहा है वो निष्ठापूर्वक योजना कार्यक्रम भागीदारी करने के अर्थ में काफी उपयोगी रहा है, और वो भी एक सहज भाव से, और उसमें आपने काम किया है अपने ऊपर, तभी वो जो परिमार्जन आप शेयर कर रहे हैं कि पहले कैसी स्थिति थी और अभी कैसे, पहले जिस तरह से आप प्रभावित होते थे लोगों के व्यवहार से और अब नहीं होते, वो तो उत्कृष्ट है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे गति करने के लिए इन बारीकियों पर और अगर ध्यान दिया जाए तो और अच्छी गति बनेगी। और अभी जिस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, उसमें अत्यधिक रिसोर्स पर्सन की जरूरत पड़ेगी, कंटेंट को डेवलप करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो USP 3 का एक पर्पज ये भी रहा है कि हम इन बारीकियों को और गहरे में समझ पाएं और अपना मूल्यांकन कर पाए, ताकि हम भागीदारी से आगे बढ़कर जिम्मेदारियों को और फैल कर स्वीकार पाए। तो वो एक करने योग्य मुझे लगता है। आपका कमिटमेंट तो बना हुआ है, थोड़ा सा एक ये शिफ्ट लेना है कि अपने को वो ज्ञान वाले पक्ष में और ठीक से बारीकी से काम कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत अच्छी शेयरिंग, शुभकामना। जी जी भैया, बिल्कुल धन्यवाद। जी धन्यवाद कुमार जी।